साथियों, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारे बोल, हमारी वाणी, ये सब गुरु नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा ही गढ़ी गई है। कई सालों से कुछ लोगों को भारत में आने पर जो दिक्कत थी, अब उन दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। इस कदम से अब अनेक परिवार वीजा के लिए, ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वो यहां भारत में अपने रिश्तेदारों से आसानी से मिल सकेंगे और यहां गुरुओं के स्थानों में जाकर अरदास भी कर पाएंगे। भाई और बहनों, केंद्र सरकार के दो और फैसलों से भी सिख समुदाय को सीधा लाभ हुआ है। आर्टिकल 370 के हटने से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सिख परिवारों को वही अधिकार मिल पाएंगे जो बाकी हिंदुस्तान में उन्हें मिलते हैं। अभी तक वहां हजारों ऐसे परिवार थे जो अनेक अधिकारों से वंचित थे। इसी प्रकार सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, उसमें संशोधन का भी बहुत बड़ा लाभ हमारे सिख भाई बहनों को भी मिलेगा। उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। साथियों, भारत की एकता, भारत की रक्षा सुरक्षा को लेकर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक हर गुरु साहब ने निरंतर प्रयास किए हैं, अनेक बलिदान दिए हैं। इसी परंपरा को आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की रक्षा में सिख साथियों ने पूरी शक्ति से निभाया है।